आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉन्फ्रेंस कॉल आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का ना डायल पैड आपको ओपन करना है, ठीक है। डायल पैड को ओपन करेंगे तो डायल पैड में अब आपको ना कोई भी एक नंबर आपको डायल करना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक नंबर यहाँ पे डायल कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने नंबर डायल किया है ना, तो जैसे मेरे कॉल को रिसीव करेगा तो मैं आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो कॉल है रिसीव हो चुका और यहाँ पे ये काउंटिंग यहाँ पे चलने लग रही है। अब आपको करना क्या है कि नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिलता है ऐड कॉल, ऐड कॉल का ये ऑप्शन टैप करना है तो आपका फिर से यहाँ पे डायल पैड आ जाता है। अब डायल पैड में आपको ना कोई दूसरा नंबर यहाँ पे डायल करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो ना कस्टमर केयर नंबर डायल कर लेता हूँ, आपको कोई भी दूसरा नंबर डायल कर लेना है। जब ये दूसरा पर्सन भी जो कॉल को रिसीव कर लेता है, काउंटिंग चलने लगती है ना, तो आपको नीचे की साइड ये मर्ज कॉल का ये ऑप्शन टैप करना है, मर्ज कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो कॉल है वो मर्ज हो जाएगी और आपका कॉल जो कॉन्फ्रेंस कॉल में इस तरीके से बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फोन में इजीली जो है कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में सेटिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको और भी बातें बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने दो नंबर डायल किए हैं, दो नंबर डायल किए और मैं खुद तीसरा पर्सन हो गया, तो हम तीनों लोग मिलकर एक ही कॉल लाइन पर बात कर सकते हैं। हम तीनों में से कोई भी एक पर्सन बोलेगा तो बाकी के दोनों लोगों को सुनाई देगा, इसमें कोई भी पर्सन होल्ड पे नहीं रहता है, ठीक है। और एक बात ये भी बता देना चाहता हूं, देखिए आप ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए आपको सिर्फ दो ही नंबर आप डायल कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर ना नंबरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, यानी कि और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको अभी तक करके दिखाया था। देखिए आपको सिंपली ऐड कॉल पे टैप करना है, इसके बाद डायल पैड आपको ओपन होगा, वहां पे कोई तीसरा नंबर डायल करना है और वहां पे आपका तीसरा नंबर डायल करेंगे तो आपका तीसरा पर्सन जब कॉल को रिसीव कर लेगा तो आपको नीचे मर्ज कॉल का ऑप्शन दिखेगा, मर्ज कॉल पे टैप कर देना है, ठीक है। इससे तीसरा पर्सन भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक एक करके और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये मैंने आपको फाइनली बता दिया है कि इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में यूज करके देखिएगा, ठीक है।